आप सभी का स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। बीते दिनों की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली थी। वह अकेले ही भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे, बल्कि उनका समर्थन करने वाले 20 अन्य विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में कोई बड़ा पद मिलने वाला है। यहाँ तक कि यह भी बातें आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। उनके समर्थक भी लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, भीड़ लगा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, तथा अन्य विधायक जो कांग्रेस को छोड़कर, बागी विधायक भी कह सकते हैं, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए हैं, उनको भी अहम मंत्री पद मिलेंगे। लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी जब यहां मंत्री पद का गठन होता है मध्य प्रदेश में। पहले तो एक स्थायी सरकार गिरा दी जाती है, फिर जल्दबाजी में मंत्री पद का जो बंटवारा होता है तो उसमें उन सभी विधायकों को नामांकित नहीं किया गया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे, और बल्कि अभी तक भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है। इसलिए उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, कथित ट्वीट है ये, इसकी अभी सत्यता की जांच नहीं हुई है, कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, फिर से वह घर वापसी करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ा सबक भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ हर उन नेताओं के लिए बड़ा सबक है जो अपनी विचारधाराओं के साथ सौदा करते हैं मात्र इसलिए कि उन्हें एक बड़ा पद प्राप्त हो सके। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में हम कहेंगे तो उन्हें कांग्रेस में हर बार एक बड़ा पद मिला है, कांग्रेस सत्ता में हो या फिर ना हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान में किसी प्रकार की भी हानि नहीं होने दी गई। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनके समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया होगी। जो अन्य 20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, क्या उन्हें वापस जाने पर कांग्रेस में वही सम्मान मिलेगा? क्या वे सिंधिया के साथ कांग्रेस में वापस चले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर रह जाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल सामने आने हैं यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में घर वापसी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर वापसी करना सही है या नहीं है, उचित है या नहीं है, या फिर यह मात्र एक अफवाह ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विचारों के साथ एक सौदा कर लिया है? इस संबंध में हमें आपकी राय का रहेगा इंतजार। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।